हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे दही फिश कातला बहुत ही सिंपल तरीके से। जी हाँ, सबसे पहले नमक हल्दी मिला के अच्छे से फिश को मैरिनेट करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। जी हाँ, अब चलते हैं फिश को फ्राई करने की ओर। जी हाँ, फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म कर ले। सरसों के तेल में सारे फिश को हम तलने के लिए रख देते हैं। तब तक फिश तलती है, हम मसाला रेडी कर लेते हैं। मसालों के लिए हमने यहाँ पे काजू यानी कैश्यू नट, इलायची और थोड़ा सा पानी, 2 हरी मिर्च लिया है। बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह की मसाला हमारी रेडी हो गई है। तब तक हम फिश को देख लेते हैं कि हमारी फिश कितनी फ्राई हो चुकी है। जी हाँ, एक साइड के तो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। फिश जब भी आप फ्राई करें तो तेल को बहुत ही अच्छे से हीट कर ले तो फिश टूटेगी ना। अब ग्रेवी रेडी करने के लिए तेजपत्ता, कुछ खड़े मसाले और कुछ सौंफ यहाँ पे डाल दे रहे हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे अदरक और लहसुन 2 बड़े चम्मच डाल रहे हैं और इनके साथ हम 1/2 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, स्वाद अनुसार इनमें हम नमक भी डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से चला लेंगे। जी हाँ, मसालों को अच्छे से चलाते रहना है ताकि मसाले में कोई कच्चापन ना रह जाए। मसालों को कंटिन्यूसली हमें अच्छे से चलाते रहना है। जी हाँ, अब हमने जो मसाला रेडी करके देखा था उन्हें भी इसमें डाल लेंगे और बहुत ही अच्छे से चलाते रहेंगे। जी हाँ, सारे मसालों को अच्छे से चलाना है। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और मसाले जो है अपना तेल स्लोली रिलीज करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अब हमें मसालों को देखिए, कलर भी कितना बढ़ के आया हमारे मसालों का। अब हम इनमें हमारी घर की बनी हुई खट्टी दही, जी हाँ, हमने इन्हें अच्छे से फेंट लिया है, उन्हें भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो मार्केट वाली दही भी, लेकिन खट्टी होनी चाहिए, ले सकते हैं। अब दही डालने के बाद इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। जी हाँ, दही डालने के बाद हमें एकदम इसे लो फ्लेम को लो कर देना है और अच्छे से चलाते रहना है। अब इनमें ग्रेवी के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। पानी आप चाहे तो दही या फिर मसाले का पानी जो बच गया वो भी डाल सकते हैं। अब ग्रेवी में अच्छा सा उफान आ गया, सारी मछलियों को छोड़ देंगे। अब हम इन्हें लो फ्लेम पे ढक के 10 मिनट के लिए कुक करते हैं। 10 मिनट कुक करने के बाद अब हम इनमें कुछ किशमिश और उसी के साथ हम यहाँ पे शुगर, जी हाँ, 1/2 टीस्पून के लगभग हमने यहाँ शुगर, 2 हरी मिर्च डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे हम 1 बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। जी हाँ, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम करके हम गैस को बंद कर देंगे। फ्लेम बन गई मज़ेदार की दही फिश कातला रेसिपी। बंगाल में शादी ब्याह के ओकेशन में तो ये रेसिपी बहुत ही बनाती है, तो आप भी बनाइए। और आपको अगर मेरी वीडियो की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। आप सब यूं ही मुझे सपोर्ट करें। जी हाँ, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ फिर मिलती हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी खाने की न्यू रेसिपी के साथ। जी हाँ, तो अच्छे रहिए। तो ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर।